मतलब यार मतलब फेमस बार तक ना ऐसा हुआ कि बिना मेकअप के करीना कपूर देख लिया हमने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका अपना अश्वन यत्री और एक नए व्लॉग में स्वागत है। और ऐसे मौसम है, कौन सा मौसम है अभी? ये वाला मौसम है। और चुपती चलती गर्मी का मौसम आया, चुपती चलती खमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। हाँ तो दोस्तों, इस वाले मौसम में खाली गर्मी कूल से तो काम चलने वाला है नहीं। तो ऐसे में मेरे साथ आई है मेरी फ्रेंड भावना चंद, और ये हमें बताया कि भावना इस मौसम में खाली यार गर्मी कुल्फी से तो काम चलने वाला है नहीं, तो क्या चाहिए हमें? तो ऐसे मौसम में अगर कुल्फी मिल जाए ना ठंडी ठंडी और बहुत सारी फ्लेवर में तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो ये मिलेगी कहाँ पे हमें बहुत सारे फ्लेवर में ठंडी ठंडी कुल्फी? ये चांदनी चौक में मिलेगी, लेकिन कहाँ पर वो वीडियो में आपको आगे जानने को मिलेगा। चलो भाई, तो हम आ गए हैं चांदनी चौक में। कहाँ पे जा रहे हैं ठंडी ठंडी कुल्फी खाने वो आपको आगे पता चलेगा। तो उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको आगे वीडियो में पता चलता रहे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और वीडियो को पूरी देखना, तभी मज़ा आएगा। चले जा रहे हैं अभी तो फिलहाल हम लोग। मेट्रो से कैसे राइट है ना, लेफ्ट लेके राइट है। हाँ, दुपट्टा है यार। कब मिलेगी हमें आइसक्रीम खाने को ठंडी ठंडी? जल्दी मिलेगी, टेंशन मत ले। मतलब जितना इंतजार कर रहे हो ना, बस मिलनी भी वैसी चाहिए, फ्लेवर भी कुछ वैसा होना चाहिए, टेस्ट भी वैसे होना चाहिए ना। आइसक्रीम खाने से पहले हमारा पकोड़ा बनेगा। पहले हम गर्म होंगे, फिर आइसक्रीम। मज़ा आ रहा है क्योंकि चांदनी चौक की गलियों में घूमने का ना एक्सपीरियंस ही अलग है। और मूवीज में देखा है मैंने। ए यार, हम पराठे वाली गली में घुस गए थे, वहाँ इतना मज़ा आ रहा, मेरा मन कर रहा था पराठे खा लेता हूँ गरम गरम। लेकिन क्या करें, आज हम कुल्फी खाने का मूड बना के आए हैं। मूड नहीं, हम अपनी जेब में उतने ही पैसे लेकर आए हैं। अच्छा, सच नहीं बोलना था यार, पता चलना चाहिए था गर्मी ब्लॉगर को। फाइनली भैया ले आए रिक्शे के थ्रू, हम लोग सही जगह आ गए। अश्वनी, खुशी दिखाओ अपने चेहरे की। यस, आ गए हम। तो देखा, हम लोग पहुंच गए हैं और अब हम लोग जो हैं कुल्फी खाएंगे। कुल्फी तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं क्या नाम है यार, मैं तो बार बार नाम ही भूल जाती हूँ। कुरेमल मोहनलाल कुल्फी वाले के यहाँ। और आपने खुशी देखी जब हम रिक्शा से उतरे, कितनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे। हम उतरे थे लाल किला के पास, और ये मार्केट का एड्रेस आपको मैं दिखा दूंगा अभी एक नई वीडियो में लगा के इसके बीच में। तो आप थोड़ा इतना परेशान होकर ना आए, और अच्छी जगह पे उतरे और आराम से यहाँ पे पहुँचे। हमें तो बहुत टाइम लग गया भाई पहुँचने। और जैसा मैं बोल रहा था बीच बीच में कि हमारे पकौड़े बनने वाले, सही में पकौड़े बन गए यार भावना। लेकिन अब हम आइसक्रीम खाएँगे और फिर मजे करेंगे, और आपको बताते हैं आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है और यहाँ की क्या स्पेशलिटी है। आइसक्रीम को शूट करना है, ये बताते हैं। चलो आइसक्रीम शूट। खा के देखने के लिए ₹20 में ना सचमुच आम आता है ना, वो इससे लाख 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 गुना बढ़िया होता है। बहुत बड़ा कटा है सुनी, इसके लिए हम बाहर आके देखें। मैं तो सच्चा सच्चा रिव्यू दे रही हूँ, बीजेपी दे रही हूँ, दूसरा नंबर मंगा बहुत बुरा। By God, ही नहीं, पहले मैं बोल रही हूँ, मुझे बोल लेते मेरे अंदर बहुत बड़ा है। यार ये इतने ब्लॉगर झूठ बोलते, साले एक नंबर के चपड़ गंजू।
इतनी अच्छी से वीडियो क्वालिटी दिखा कर है ना, वीडियो खूबसूरत बनाने। नहीं 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 मैं बोलूंगी, इतनी दूर से हम लोग यहाँ पे ये फ्लेवर वाली कुल्फी खाने आए और मांगी यहाँ कट गया हमारा, कट गया भाई, कट गया। गाइस 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 लेट मी एक्सप्लेन यू, हम नजफगढ़ द्वारका से ट्रैवल करते हुए चांदनी चौक पहुंचे हैं स्पेशली इस कुल्फी को खाने के लिए। और सही में बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको इसका देने वाला हूं। शॉप पे देता तो गजब की बेइज्जती हो जाती, इसलिए थोड़ा बाहर आके दे रहे। क्या पता शॉप पे भी बोला है क्या पता शॉप वाला हमें मारने लग जाता और कहता साले पता नहीं कहाँ से आए। लेकिन सच में 200 रुपए का हमारा इतना गंदा काटा है, वो आम वाला फ्लेवर की कुल्फी खिला के कुल्फी के नाम पे क्या ही था वो, मतलब 20 रुपए आम खा ले तो वो ज्यादा बढ़िया होता। तो गाइस 50 रुपए से ज्यादा उसकी कॉस्ट नहीं हो सकती थी, 200 रुपए लिए उसने उस आइसक्रीम के, और उसमें कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था यार कुछ ठंडा ठंडा खाली मुंह में जा रहा है, ना तो उसमें आम का टेस्ट आ रहा था, ना जो उसमें बादाम किशमिश जो भी उन्होंने डाला था कुछ भी टेस्ट नहीं आ पा रहा था, सिर्फ ठंडा ठंडा जो भी था बेकार वाहियात, एकदम वाहियात। और मतलब जिस तरह से हम भी दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देख के आए थे, जितनी तारीफ वो करते हैं, जिस तरह की कुछ भी नहीं था, दुकान पे भीड़ भी नहीं थी। इनफैक्ट आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में, मतलब यार मतलब फेमस मार सकते हैं। ऐसा हुआ कि बिना मेकअप के करीना कपूर देख ली हमने ये बाय गॉड वेरी ट्रू यार भावना, बहुत सही में सच में। तो गाइज ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि अगर आप आए अपने आप से खुद से देख के हमारी वीडियो में, कमेंट करके आप लोग बताएं कि आपको टेस्ट कैसा लगा। हमें तो भाई एक नंबर का वाहियात है, दूर से आने का कोई फ़ायदा नहीं है, 200 रुपये में सच में यू आर वेरी वाहियात एकदम। हाँ भाई इतना गंदा कभी नहीं कटा जिंदगी में जितना गंदा आज कटा है, और आगे फिर कभी इतनी दूर मैं तो नहीं आने वाला यार कटवाने के लिए अपना मतलब बोले यार जिस तरह से यूट्यूबर्स तारीफ करते हैं और पूरा मोहल्ले में फेमस है, लेकिन कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ खास। तो गाइज यही रिव्यू था, अब हम थक चुके हैं, अब हम जाके 20 वाली अमूल की आइसक्रीम खाएंगे, वो ज़्यादा टेस्टी है इससे, या फिर वो पराठे वाली गली में यार पराठे खा लेते हैं, ऐसा कुछ करेंगे है ना। तो गाइज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये ऑनेस्ट रिव्यू सब तक पहुंचे और लोग ऐसा गंदा कटने से बचे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लेना, मेरी और इसकी दोनों की आईडी आ रही है यहाँ पे नीचे, तो फॉलो गाइज और सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, फिर मिलते किसी नए ब्लॉग वीडियो में। अब आ रहा है मजा, ओनली 10 रुपीज गन्ने का रस।